और सबसे बड़ी बात, आम आदमी पार्टी के नायक हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी खुद हरियाणा के हैं। आपका अपना बेटा केजरीवाल आज आपके लिए संघर्ष कर रहा है और झोली फैलाकर आपसे आशीर्वाद रूपी वोट की मांग रखता है। इस बार अपने बेटे हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल को वोट देकर हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का काम करो साथियों, आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का काम करो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वो जैसे हम रेडियो पे सुनते हैं ना कि मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश, मैं कहना चाहता हूं केजरीवाल को चुनने वाले ऑलवेज खुश। जो जो झाड़ू का बटन दबाएगा वो आराम से सारी सुविधाओं के लाभ पाएगा। इस बार हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओ। हरियाणा के एक छोर पे दिल्ली है जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, हरियाणा के दूसरे छोर पर पंजाब है जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। अगर हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो ये ट्रिपल इंजन मिलके, हरियाणा पंजाब दिल्ली, ये ट्रिपल इंजन मिलके इस देश के सारे सूबों से ज्यादा प्रगति करेगा, इन देश के सारे सूबों से ज्यादा विकास होगा। मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाएं होंगी साथियों। साथियों, मैं अंत में बस इतना कहना चाहता हूं कि असंत के लोगों ने सारी पार्टियों को मौका दिया, सारे नेताओं को आशीर्वाद दिया, लेकिन सारी पार्टियों ने और खास करके भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के नौजवान को और हरियाणा के किसान को सिर्फ बेइज्जत करने का और उसे नुकसान पहुंचाने का काम किया है। मैं आंकड़ों का जानकार हूं, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर किसी सूबे में है तो वो हरियाणा में है। सबसे ज्यादा अगर बेरोजगार युवा कहीं मिलेगा तो वो हरियाणा सूबे में मिलेगा। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, क्या इसमें हरियाणा की जनता की गलती है? हरियाणा की जनता की नहीं, हरियाणा के नेताओं की गलती है जिन्होंने हरियाणा को पीछे रखा, अशिक्षित रखा और बेरोजगार रखा। समय आ गया है कि बेरोजगारी में सबसे ऊपर आने वाले सूबे हरियाणा अपने नेताओं को बेरोजगार करे। भाजपा कांग्रेस के नेताओं को बेरोजगार करो तभी आपके बच्चों की बेरोजगारी दूर होगी, तभी हरियाणा सूबे के लोगों की बेरोजगारी दूर होगी। साथियों,